तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स ज़्यादातर मैं रात को ही किचन क्लीन करके रखती हूँ, लेकिन कल मैं किचन क्लीन नहीं कर पाई। रात को अचानक से मेरा तबीयत ख़राब लग रहा था, इसलिए कल मैंने किचन क्लीन नहीं करी। और ये देखिए, इसीलिए सुबह मेरा जो किचन का हाल है कुछ ऐसा है, चारों तरफ सामान फैला हुआ है, बर्तन झूठा बर्तन सब कुछ ऐसा का वैसा रखा हुआ है, कूड़ा। देखिए आप लोग, सुबह उठते ही अगर मैं रात को किचन क्लीन नहीं करती हूँ तो सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा होता है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और विंटर के टाइम में तो और भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सुबह उठ के ये सब काम करने में किसे अच्छा लगता है, आप बताओ। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिस दिन मेरा किचन ऐसा हाल होता है ना, उस दिन मैं कैसे पूरा किचन को मैं क्लीन करती हूँ। और रात को मैं तो किचन क्लीन रूटीन वो तो मैंने शेयर दो तीन वीडियो में किया है, मैंने शेयर कर दिया है, लेकिन सुबह मैं कैसे किचन पूरा डीप क्लीन करती हूँ जिस दिन मैं रात को नहीं कर पाती हूँ, तो वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले कुर्सी के ऊपर रखा रहता है ये टावल, जो बिछा के मेरे हस्बैंड नीचे बैठते हैं। कभी कभार टेबल में हम लोग खाना नहीं खाते, नीचे चटाई बिछा के बैठते हैं, तो हस्बैंड जो है टॉवल ऐसे बिछा लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा ठंड लगती है। तो वो टॉवल मैंने फोल्ड करके रख दिया है। और इस मतलब टेबल के ऊपर देखिए, सारे जो चाय का ग्लास, दूध लेके आए थे हस्बैंड सुबह, वो दूध का जो है डोलची, सब कुछ यहाँ पे रखा है, और फ्लैक्स वगैरह और मसाला दानी सब कुछ। तो मैं एक एक करके सारा सामान इकट्ठा कर रही हूँ, और जो मतलब डस्टबिन में फेंकने का चीज़ है वो मैं डस्टबिन में फेंक दे रही हूँ। और ऐसा अच्छा नहीं लगता है किचन में अगर टेबल के ऊपर ना ऐसा सब कुछ रखा रहता है, किचन बहुत गंदा दिखता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ मतलब टेबल क्लीन रखने का, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना, हो नहीं पाता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं टेबल क्लीन कर लेती हूँ। इसे तो हम लोग टेबल बोलते हैं, मेज भी बोलते हैं, और आप इसे मतलब इस मेज को आपके मतलब आप लोग क्या बोलते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो इसके ऊपर देखिए, बाबू का तो अब स्कूल नहीं है, तो बाबू का टिफ़िन बॉक्स रखा था, मैंने धो के मैंने ऐसे ही रख दिया था, तो मैंने वो भी रख दिया है फोल्ड मतलब बंद करके, बॉक्स भी रख दिया है उठा के। और मैं अभी जो टेबल को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। रोज़ मैं क्लीन करती हूँ, मतलब शाम के टाइम रात को ही क्लीन करती हूँ, और दोपहर में जब मैं किचन में मतलब लंच बनाने के बाद जब मैं किचन क्लीन करती हूँ तो और एक बार कर देती हूँ। तो रात को मैं नहीं कर पाई, तो सुबह देखिए पानी छिड़क के उसके बाद मैंने एक गीला कपड़े से पोंछ दिया है। और एक कप में देखिए, एक कप में दूध है, एक में दही और एक गिलास में दूध है, तो मैंने ऐसे ढक के रख दिया है। और यहाँ पे देखिए मसाला का जो डिब्बा है, चीनी वगैरह सब कुछ नीचे फैला हुआ था, तो मैं एक एक करके उठा के सजा के रख रही थी। और ये देखिए, यहाँ पे कल शुक्रवार था, तो हस्बैंड बाज़ार से सब्ज़ी लेके आए थे, तो सब्ज़ी जो है मैंने फ्रिज में रख दिया था, लेकिन जो आलू प्याज वगैरह है ना, वो बैग में ही रखा हुआ था, तो वो मैं सही करके रखूँगी। और पहले तो दोस्तों बाज़ार में आलू बहुत महंगे बेचते थे, 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, अब जो है नए आलू 10-10 रुपये किलो बिकने लगे हैं। तो मेरे हस्बैंड 5 किलो आलू लेके आए थे, और मैं सोच रही थी कहाँ रखूँ, रखने के लिए जगह भी नहीं है। तो हस्बैंड बोले कि पहले मुझे चाय बना के दो, तो वो चाय बनी रखी थी, वो मैं गर्म कर रही हूँ हस्बैंड के लिए। तो हस्बैंड चाय पी के चले जाएंगे दुकान, उसके बाद मैं आराम से काम करूँगी। और जिस दिन लेट हो जाती है ना काम के बीच बीच में, हस्बैंड को मैं चाय बना देती हूँ, बाबू को खिलाती हूँ, काम के बीच बीच में करना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ है, चारों तरफ देखना पड़ता है क्या कौन क्या कह रहा है, कौन कौन मैंने किसे क्या चीज़ चाहिए, तुरंत बना के दे दो, सब कुछ देखना पड़ता है। तो मैं वही सोच रही थी आलू किस किस मतलब कैसे रखूँ, तो वो मैं हस्बैंड से पूछ रही थी आलू आज कितने रुपए किलो मिले, इतने सारे आलू ले आए, तो बोले 10-10 रुपये किलो मिले, तो 5 किलो आलू ले आए। तो देखिए ऊपर वो जहाँ पे मैं लहसुन प्याज रखती हूँ वहाँ पे भी मैं आलू भर के रख दिया, क्योंकि जगह ही नहीं बचा, और कैसे क्या करे मतलब रखे।
तो चलिए यहाँ से मैं आलू निकाल के रख देती हूँ। और जो नए आलू है ना, ज़्यादा दिन रहे तो वो ख़राब होने लगते, मतलब सूख जाते, वो अच्छा नहीं लगता है बाद में खाने और में। वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और नए आलू का टमाटर आलू बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और मैं तो रेसिपी बताने लगी फ्रेंड्स, तो वही मैं हस्बैंड को बता रही थी, आलू कम कम लाया करो, ख़राब हो जाता तो अच्छा नहीं लगता है। तो पहले मैं भी बाज़ार गई थी, तो मैं भी लेके आ गई आ गया मतलब ले आई थी 1 किलो प्याज। और मेरे हस्बैंड को पता नहीं था, तो मैं जो चीज़ मैं बताती हूँ वो चीज़ लाते नहीं, और जो चीज़ मैं नहीं बताती हूँ वो चीज़ भर भर के ले आते हैं। तो मैंने कह दिया था हरी मिर्ची ले आना, वो नहीं लाए, और बरंग तो 1 किलो प्याज लेके आ गए, जो कि प्याज घर पे रखा हुआ था, तो इसलिए इतना सारा प्याज हो गया है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, आप लोगों को जो हस्बैंड है वो भी ऐसे करते हैं या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताना। जो चीज़ के लिए कहो वो चीज़ भूल जाते हैं और दूसरी चीज़ भर भर के ले आते हैं। तो यही बात है दोस्तों। और जब मैं बुआ के गाँव गई थी, मतलब घर गई थी, उस टाइम फूफा जो है ना, गन्ना खेत से गन्ना लेके आए थे और उसे काट काट के बैग में भर के दे दिए थे। और वो बैग मैंने यहाँ पे रख दिया है, कोने में रख दिया था, और मैं भूल गई थी उसमें गन्ना है। तो आज मैं जब मतलब झाड़ू लगा, कोने में झाड़ू लगा रहे थे, तब मतलब जो है डलैया वगैरह हटाई ना, तो मैंने देखी बैग में क्या है। बैग हमने सोची कि बैग में कुछ और चीज़ होगी, लेकिन बैग में देखा मैंने गन्ना है और बिल्कुल सूख गया था। तो मैंने कही जब सूख गया है तो मैं उसमें मतलब उससे मैं खाना बना लूँगी, आग जला जलाने का काम आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने चूल्हे के पास रख के आई हूँ। और इस बैग में देखिए इतने सारा पानी पन्नी भरा हुआ था। और जब मतलब सब्जी वगैरह रखो ना, से रखो सही से करके, अगर बैग से ऐसे नए आलू वालू निकालो तो उसमें ना बहुत सारा रेता निकलता है और किचन पूरा गंदा हो जाता है। इसीलिए मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम जब मैं किचन साफ़ करती हूँ, उसी टाइम मैं जो आलू वगैरह सब कुछ मतलब रख देती हूँ डलैया में सही से, नहीं तो जो ना फर्श बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसीलिए जब मैं सफ़ाई करती हूँ उससे पहले ये काम कर लेती हूँ, ताकि कमरा जब मैं सफ़ाई करूँ उस टाइम एक बार में साफ़ हो जाए, नहीं तो बाद में अगर मैं ये सारा काम करूंगी ना तो कमरा और दोबारा गंदा हो जाएगा और मुझे दोबारा फिर से ये वाला काम दोहराना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए सब्जियाँ रख के उसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया है, और सारी चीज़ें हटा हटा के मैंने झाड़ू लगाया, अच्छे से साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे मैंने जो है गैस का जो चूल्हा है उसे मैं साफ़ करने लग गई थी। और मुझे ना ऐसे बैठ के काम करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, और मैं सोच रहे थे कि एक लकड़ी का जो टेबल होता है ना, मेज बड़ा वाला, उसके ऊपर ये वाला गैस रख के मैं खड़े होकर खाना बनाऊंगी। फिर हस्बैंड बोले उससे ना जो है किचन का किचन में जगह नहीं बचेगा, वो बड़ा वाला टेबल रख दूंगी तो किचन में बिल्कुल जगह नहीं बचेगा, खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं रहेगा, किचन हमारा इतना ज़्यादा छोटा है। इसलिए सही है, मतलब जब तक अपना मकान नहीं बन जाता, सब कुछ नहीं हो जाता, थोड़ा सा मुसीबत तो झेलना ही पड़ता है सबको, बस मुझे नहीं सबको झेलना पड़ता है, सब लोग झेलते हैं तो हम भी झेल लेंगे, उसमें क्या है। तो उधर मैंने जो है गैस का चूल्हा भी साफ कर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन धोने बैठ गई थी। और रात का जो सब्जी चावल बच गया था, मतलब फेंका गया था, वो मैं एक भगोने में भर के मतलब रख के फिर मैं नाली में फेंक के आई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन धोने लग गई थी, नहीं तो क्या है ना हमारे कमरे के साथ जो अटैच नाली है उसमें मैं अगर फेंकती हूँ नाली जम हो जाती है, इसके लिए एक बार में जो है चावल वगैरह बच जाता है तो मैं एक बार में बाहर फेंक के आती हूँ, उसके बाद बर्तन होती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने लग गई थी, मतलब झाड़ू लगाने से पहले अगर कमरे में मैं ऐसे बैठ के बर्तन धोती हूँ ना, कमरा पूरा गीला हो जाता है, मैं झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ, इसलिए झाड़ू लगाने के बाद मतलब गैस साफ़ करने के बाद फिर मैं बर्तन धोती हूँ, ताकि उसके बाद मैं पोछा लगाऊँ और मेरा काम कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया था क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था, तो मैंने आप लोग देख ही सकते हो कितना जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ, आप लोग कर पाते हो बताओ। लेकिन ये काम करने में कम से कम 40 मिनट लग गया था, मतलब बर्तन धोने में नहीं, पूरा किचन क्लीन करने में 40 से 50 मिनट मेरा लग गया था दोस्तों, लेकिन मैंने वीडियो को इतना फास्ट कर दिया कि 12 मिनट में मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बर्तन धो के अब मैं बर्तन धो रही हूँ, एक बाल्टी में बर्तन मेरा नहीं धुलता है, जब मैं एक बाल्टी पानी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं और एक बाल्टी पानी भर के लाऊँगी, उसके बाद जो बचा कुचा बर्तन रहेगा उसे मैं साफ़ करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने बर्तन धुल लिया है, साफ़ कर लिया है,
अब जो है एक एक करके बर्तन में सेट कर लूँगी। यहाँ पे देखिए, और बाबू का जो है 12 बजे ट्यूशन है, क्योंकि उनका जो मैडम जी है वो कह रहे हैं कि शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड होती है, अब तो बच्चों के स्कूल की छुट्टी भी है तो 12 बजे वो पढ़ा देगी, तो शाम के जो ठंड है बच्चों को नहीं झेलना पड़ेगा। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम भी कम्प्लीट कर लेती हूँ ताकि मैं लंच भी जल्दी बना लूँ और बाबू खा के ट्यूशन जा पाए। तो यहाँ पर देखिए सारे बर्तन मैं एक एक करके सेट करने लग गई थी और सेट कर रही हूँ। और ये जो दूध का जो डुलची वगैरह है सब कुछ मैंने सही से रख दिया है, और किचन का जो मेरा आधा काम है मेरा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और किचन मतलब बर्तन से रखने के बाद, देखिए बर्तन धोने के बाद मेरा किचन जो है ऐसा देखो गीला गीला सा हो गया है ना, ऐसा ही गीला हो जाता है, मैंने पानी नहीं छिड़का है, बस ऐसे गीला हो गया है। जब मैं बर्तन धोती हूँ तो ऐसा हो जाता है, उसके बाद पोछा लगाना ज़रूरी हो जाती है, और मैं अगर कपड़े से पोछा लगाती हूँ ना तो बहुत टाइम लगता है और अच्छे से नहीं लग पाता है, और मैं झाड़ू से अगर पानी से ऐसे धुलाई करती हूँ बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब मैं झाड़ू से ऐसे मतलब धुलाई करने के बाद सूखा कपड़े से मैं पोछ दूँगी तो जल्दी सूख जाएगा और कपड़ा मतलब कमरा भी मेरा अच्छे से क्लीन हो जाती है। और अगर मैं कमरे में ऐसे बर्तन धोती हूँ ना तो झाड़ू से साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसे गंदगी रहता है उसे साफ़ करना ज़रूरी होता है। किचन में मैं खाना बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो किचन क्लीन होना ज़रूरी है दोस्तों। तो मैंने देखी यहाँ पे किचन भी अच्छे से मैंने धुलाई कर लिया। पहले तो हफ्ते में जो है मैं सारा सामान हटा के एक एक चीज़ हटा हटा के मैं ऐसे धुलाई करती थी, लेकिन अभी जो है नहीं हो पाता है, ठंड का टाइम है और उतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे देखिए गैस का जो साफ़ करने के बाद, अब मैं गैस का जो ये इसे क्या कहते हैं झीक, हम लोग झीक ही बोलते हैं, तो झीक को मैंने ऐसे लगा रही थी और लगा लिया दोस्तों। और देखिए सुबह के टाइम जब मैं मतलब वीडियो स्टार्ट कर रही थी उस टाइम मेरा किचन कैसा दिख रहा था, अब जो है मॉर्निंग का जो किचन क्लीन होने के बाद देखिए मेरा किचन कितना क्लीन और कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा दिख रहा है। और क्लीन किचन में ना खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग हाउस वाइफ हैं, सुबह उठने के बाद ही हमें किचन में आना पड़ता है, और किचन में आके अगर ऐसा क्लीन किचन रहे तो मज़ा ही आ जाता है, जो मज़ा आज मुझे नहीं आया है। और मैंने किचन सुबह उठ के ही साफ़ करी है, और ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग प्लीज़ कॉमेंट करके बताना, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना और ढेर सारा प्यार देना, सपोर्ट करना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।